आपको लगता है कि ये जो सारी डिबेट्स चल रही थी, क्या इनका असर उस डिक्टेटरशिप या जो आमलियत चल रही थी, क्या उसके साथ इन्फ्लुएंस या से कुछ अदब के साथ सियासत का तो बहुत हमेशा से गहरा रिश्ता रहा है, रिटर्न फूल है, लेकिन उसका भी था कि आप देखिए कि उर्दू अदीबों को जब पाबंद सलासल किया गया, तरक्की पसंदों को जब जेल में डाला गया, राव पुलिस हाउस केस में जिनमें फैज साहब थे वो था, तो अब पाकिस्तानी अदब की जो बहस उठाई उसमें वैसे हम हसर हस्ते की एक बात को अमरूद डाल देना चाहते हैं, जब पाकिस्तान में ये आज़ादी इजहार पे पाबंदियाँ लगाने की बात हुई थी तो वो खड़े हो गए थे, तो सरकारी माहिरों में थे तो उन्होंने वो छोड़ दिया था, तो ये उम्मीद खूबी थी कि वो जहाँ आज़ादी इजहार आती, बल्कि एक जगह मैंने कोटेशन भी लिखी हुई, कहते हैं कि शख्सी आज़ादी पाकिस्तानी अदब का हिस्सा होगी, शख्सी आज़ादी वो उसके कायल थे, लेकिन वो उनका रफ्तार रफ्तार जो रुझान था वो पाकिस्तानी अदब, पाकिस्तानी अदब से मुराद थे इस्लामी अदब, इस्लामी अदब से मुराद थे इस्लाम की रिवायत, सभी बताए उसकी रवायत, तो डिक्टेटरशिप के खिलाफ अबीब गालिब जो थे वो सबसे ज़्यादा खड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी अदब में डिक्टेटरशिप का जो मौजू है वो तो उसमें आता नहीं था, उसके पगड़ी नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कल्चर की बहस थी, उस तरह सियासत असरअंदाज तो हो रही थी, मसलन 65 की जंग अगर ना होती तो पाकिस्तानी कल्चर कैसे मुख्तलिफ है इंडिया के कल्चर से, ये बहस में शिद्दत ना होती, 71 की जंग ना होती और मशरकी पाकिस्तान अलहदा ना होता तो वादी सिंध को पाकिस्तान की बुनियाद कहने का आइडिया आ ही नहीं सकता था, क्योंकि जब तक मगरब अब तो मशरकी पाकिस्तान है, आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान को जनूबी एशिया मुसलमानों की तहजीब जो है वो इंडस की तहजीब है, तो सियासत कुछ ना किसी शक्ल में असरअंदाज हो रही है सियासी वाक़ सर। दो सवाल थे, सबसे पहले तहरीके अलीगढ़ से रिलेटेड कि तहरीक अलीगढ़ कह सकते हैं कि पहली तहरीक थी बरसगीर के मुसलमानों की जिसके अंदर उनकी जो फिक्री जो थी सलाहियतें उनको बिदार करने की कोशिश की गई थी, इसके अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू को ख़ास फोकियत दी थी, मुख्तलिफ जरीदे उर्दू के शायर थे, तो तहरीक अलीगढ़ जो है उसका क्या पाकिस्तानी अदब के ऊपर कोई असर पड़ा था, क्योंकि उसका बुनियादी मकसद तो यही था कि किसी तरह ये जाहिर किया जाए कि जो मुसलमान है वो अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा वफादार है, तो उसका उर्दू अदब पे क्या असर पड़ा और बल्कि ये अगर हम देखें कि ये जो अंग्रेज़ों की वफादारी का एक नज़रिया और उससे जोर अलीगढ़ ने दिया, सर सैद ने बहुत ज़्यादा दिया और उन्होंने बंगालियों की मुखालफत तो ज़माने में की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मुखालफत थी वो सर सैद उनके साथी ने बहुत ज़्यादा की, बहुत बुरा भला था, अकबर अलाबादी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे, अबुल कलाम आज़ाद उनके साथ थे, लेकिन जो सर सैद और उनके मकलब हक के लोग थे वो तो उसके हक में थे, ज़्यादा पाकिस्तान का जो अदब आइडिया है उसमें उनका बहुत हिस्सा है कि मुसलमानों की ज़बान अलग मुल्क उसकी तरफ इशारे होने शुरू हो गए थे, 1869 में जब वो हिंदी का झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि अब ये दो कौमें इकट्ठे नहीं रह सकते, ये अलग होगी, तो पाकिस्तानी अदब में भी ये है, पाकिस्तानी अदब इसकी बिल्कुल अलग शिनाख्त है, किसके मुकाबले में, हिंदुओं के अदब के मुकाबले में। तो सर इसकी भी अगर हम संगे बुनियाद देखें तो तहरीके अलीगढ़ से जोड़ी जा सकती है, क्योंकि तहरीके अलीगढ़ के दौरान ये आइडिया भी डेवलप हुआ था कि अगर मुसलमान जो है ओप्रेस्ड है तो उसकी बुनियादी वजह अंग्रेज़ नहीं है बल्कि उसकी बुनियादी वजह हिंदू है। ये तो था ना, मैंने जो आपको बनाया ना कि जो अपना गैर समझा गया अंग्रेजों को नहीं समझा गया गैर, हालांकि हकीकत में जो गैर थे वो अंग्रेज थे, उनको नहीं समझा गया, वो समझा गया जिनके साथ आपने 1000 साल इकट्ठे रहकर गुजार लिए थे। और सर दूसरी बात, आपने ये कहा था कि इस तरह की जिस तरह आपने सर एतजाज से किताब का हवाला दिया कि इस तरह की बातें होने शुरू हो गई कि पाकिस्तान की जो तारीख है ना वो 100 साल या 50 साल पुरानी नहीं है बल्कि 3000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी है और ये बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर है इसलिए आपस में रह नहीं सकते, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या ये कहना जस्टिफाइड है कि कल्चर मुख्तलिफ है इसका मतलब है कि कोई एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर हम ये अब ये ज़रूर है कि आप इस इलाके में उसके कल्चर को जितना पीछे जा सकते हैं उसको करना चाहिए, यानी उस कल्चर को डिसओन नहीं करना चाहिए, ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का आइडिया था इसमें मकामी कल्चर को मकामी ज़ुबानों को
एक डिस ओन करने का रवैया रहा है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, एक कुछ चीज़ें सारी मैंने दी क्योंकि मैंने चार पॉइंट जो मैं रेगुलर करने लगा था। जब पाकिस्तान की बहसें हो रही थी कि उर्दू जो है इसमें लिखा गया था पाकिस्तानी होगा, तो सवाल ये उभरा कि पाकिस्तान की जो दूसरी जुबानों के साथ क्या ताल्लुक होगा। उसके बाद पहली दफ़ा ये हुआ इन्होंने उन जुबानों पर तहकीक होना शुरू हुई और ये कहा कि उनका बाबर फरीद पंजाबी का शायर ही नहीं है, वो तो उर्दू का शायर है, उसके यहाँ उर्दू का भी मिलते हैं, सचिन शर्मा उनके यहाँ उर्दू के मिलते हैं। अब ये क्या था कि वो एक जो छोटा जोश था उसको शामिल कर दिया, लेकिन उसका जो बड़ा पंजाबी का या सिंधी जोश था उसको आपने अलग कर दिया, यानी उसको थोड़ी सी जगह दे दी कि नहीं जी ये। और फिर ये कहा गया कि उर्दू जो है ये तो पैदा ही पंजाब में हुई है, बाकायदा नजरिया 1928 में पहले ने पेश किया और फिर पाकिस्तानी अदब के तमाम जो लोग इसको लेकर चलने वाले थे वो कहते थे उर्दू नहीं है। अभी फतेह मलिक साहब की अभी एक किताब आई है उर्दू जुबान हमारी पहचान, जिसमें कहते हैं उर्दू पंजाब की मादरी जुबान है, उसको उसके साथ आज अगर पंजाब मादरी की जुबान है तो जैद साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं उसका। तो ये सारी जो हमारे मैं समझता हूँ कि इन्हीं रिसर्च पर आपकी जो आइडियोलॉजी होती है वो बहुत असरदार होती है। अब इसी उर्दू जुबान के बारे में अगर आप जो अलीगढ़ के लोग मौजूदा हैं उनकी अगर लसानी तहकीकत देखें, मसूद हसन खान या मिर्जा खलील अमीर, वो कहते हैं कि जो उर्दू है वो तो पैदा ही वहाँ हुई है, उससे हरियाणवी से उसका इरतका हुआ है, जो दिल्ली है उसके नवाब में बोली जाती है, और उर्दू जो है ये तो एक सेकुलर जुबान है। वो कहते हैं कि उर्दू हिंदुस्तान, वो साफ कहते हैं कि उर्दू है ही सेकुलर जुबान, जो हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने वाली जुबान है, तकसीम करने वाली जुबान नहीं है। पाकिस्तान में ये है, ये कहा जो कांग्रेस के बहुत से या दूसरे हिंदू हैं वो कहते हैं उर्दू तकसीम करने वाली है, वो कहते हैं उर्दू जोड़ने वाली है। तो उनके नज़दीक यही उर्दू और मतलब रखती है यहाँ के लोगों के लिए उर्दू, वो कहते हैं हम कहते हैं उर्दू यहीं की जुबान है, यही इसका सारा रेवोल्यूशन हुआ, यहीं से वो उधर गई है, वो कहते हैं कि उर्दू बनी हुई है। तो अच्छा, वो अपनी जड़ें, हम अपनी जड़ें अपने शायरों में तलाश करते हैं जो दूसरी जुबानें के, वो अपनी जड़ कबीर में तलाश करते हैं उर्दू के, उर्दू का जो आवाज़ है वो कबीर से तलाश करते हैं, कबीर कहते हैं उर्दू का पहला बड़ा शायर है।